देखिए, आउटरीच प्रोग्राम जो है, आप इसको आउटरीच कहते हैं, मैं शुक्रिया का प्रोग्राम इसको कहता हूँ, कि जैसा हमेशा से मैं करता आया हूँ, जब भी हमारे कभी भी कोई इम्तिहान, छोटा इलेक्शन बड़ा इलेक्शन होता था और अल्लाह ताला की तरफ से जब कामयाबी होती थी, तो मैं आदतन सबके पास पहुँच के सब इलाकों में जाके लोगों का शुक्रिया अदा करता था। तो वही आज भी वही प्रोग्राम चल रहा है। अलबत्ता आज थोड़ा सा स्टेटहुड पे कहीं पे बात उठी, तो उस पे मैंने वजाहत करके उनको कहा कि हमने जो इलेक्शन लड़ा ज़ाती तौर भी और तंजीमी तौर भी, वो स्टेटहुड को एक फोकल पॉइंट बना के लड़ा। ऑब्जेक्टिव हमारा इलेक्शन लड़ने का जो था, वो ये था कि हम स्टेटहुड हासिल करें। हमारी कोशिश ये थी कि इलेक्शन स्टेटहुड में ही हो, वो नहीं हुआ। फिर हमारी कोशिश ये थी कि सरकार के हलफबरदारी से पहले स्टेटहुड के बारे में कोई गारंटी आ जाती, वो भी नहीं हुआ। तो हमने मरकज़ी सरकार को याद दहानी के वास्ते ये बात कही कि जब तक आप लोग स्टेटहुड का पूरा फैसला नहीं करेंगे, फ़िलहाल हम सरकार का हिस्सा नहीं बनेंगे, बावजूद इसके कि हम अलायंस में हैं। फ़िलहाल हम बाहर रहेंगे, और जब स्टेटहुड के बारे में कोई बात उठेगी, कोई बात मौसर तरीके से आगे चलेगी, तब हम उसके बारे में कोई नया फैसला करेंगे। वजह यह है कि जितनी भी इस वक्त हमें जो कमियां महसूस हो रही हैं सरकार में, जो यूटी के तहत जो सरकार है उसमें, वो इख्तियारात नहीं है। जो इख्तियार एक मुकम्मल सरकार में होते हैं वो नहीं है। साथ ही साथ मेरा ये भी कहना है कि हमें अगर स्टेटहुड मिलती भी है, वो मुकम्मल स्टेटहुड होनी चाहिए। नामुकम्मल स्टेटहुड को हम इनकार करते हैं। अब वो नामुकम्मल स्टेटहुड क्या है? जैसा कि हम सुन रहे हैं, कुछ अहम तरीन महकमे जिनको वाइटल डिपार्टमेंट्स कहा जाता है, मरकज़ी सरकार की कोशिश है या उनकी नीयत है कि वो बराह रास्त उनके अंडर रहें। अब उनका खुलासा अभी मैं नहीं करना चाहूँगा उन महकमों का, लेकिन वो बहुत ही वाइटल महकमे हैं।